हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर कबाड़ी वाला गया था तो सुबह सुबह इन्होंने सारा कबाड़ निकाल के दे दिया उसे। एक्चुअली ये जो हमारा पुराना कूलर था जो साइड में पड़ा था और उसको मतलब बारिश का पानी लगता था ना, वो सड़ गया था तो वो कुछ काम का भी नहीं था, रखे रखे हो और सड़ रहा था, इसी वजह से इन्होंने वो कबाड़ी वालों को दे दिया। और यहाँ पर और चीज़ें थी, थोड़ी सी रद्दी वद्दी थी वो भी दे देते, वो सुबह सुबह लेके जा रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, तो कारपेंटर भी आ गया है, सब आ गया है, तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी। बस मॉर्निंग से मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया है, सुबह की क्लीनिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है और अभी चाय भी ले ली है थोड़ी देर पहले। तो चलिए अभी सारे कामों में लग जाती हूँ अपने, जो भी काम करना है वो। और उससे पहले ना आपको ऊपर का दिखा देती हूँ, ऊपर का क्या चल रहा है, मतलब ऊपर अभी सब कुछ रेडी होने वाला है एक दो दिन में ही। माही की रूम भी क्लीन हो रही है, उसके वो क्या बोलते हैं नॉब वॉब भी लग रहा है, आज क्लीन हो जाएगी वो रूम भी, और उसके बाद मेरे रूम के नॉब भी लग जाएंगे, मेरी रूम भी क्लीन हो जाएगी। तो आज पता नहीं होगी या नहीं होगी, बट आपको दिखा दूँगी। और उससे पहले मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ, ऊपर क्या चल रहा है वो दिखाती हूँ। और आज मैंने ये ड्रेस काफ़ी दिनों के बाद पहना है, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। चलिए चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं क्या चल रहा है। नहीं तो गोल्डन नहीं पाहिजे तिथे, सिल्वर गोल्डन चं कॉम्बिनेशन नहीं, तेच लावा सर्वीकडे, ओळखायला येतात येतात ना, तिथे लावून दाखवा बरं, इथे हो तिथे पण चांगलं दिसतं। हा सर्व सेंटरलाच घेसाल फक्त, वरचे कुठे, नाही 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 तिथे सेंटरलाच घ्या, हो कारण सीडी लावूनच उघडणार आहे ना ते, सर्व प्रत्येक सेंटरलाच घ्या, हा दिसायला चांगला दिसले पाहिजे, हो हो आडव ते उभे पाहिजे, म्हणजे ड्रॉवरचे आडवे आणि हे उभे, आणि याचं पण आडवा, बस हा खालचे पण तसेच सर्व सेंटरला, सेंटरला पाहिजे, हो हे गोल्डन चांगलं वाटत आहे आपल्याला, जर हे मिळाले असते ना काय म्हणतात त्याला कॉपर, तर आणखी त्याला सूट झाले असते आपल्या ह्या ग्लासला वगैरे, कॉपर मिळालंच नाही। चला जाऊ दे, काही हरकत नाही। तो कलर चांगला वाटतो ना, तो पण तसाच मोतिया कलर आहे ना इथला हेडबोर्डचा, असाच आहे पांढरा रुपया, हो सेंटर सेंटर घ्याल सर्वायचं, हा सेंटर, हे छान दिसणार, नॉब वगैरे लागल्यानंतर चांगलं वाटणार। चलिए खाना खा लेती हूँ, यहाँ पर आज खाने में है रोटी सब्जी दाल चावल और सलाद, और उसके बाद सब्जी किस चीज़ की है तो मिक्स सब्जी बनाई है और पापड़ भी है, और अचार मतलब अचार की जगह वो शेजवान चटनी है। और यहाँ पर मैंने लगा दी है कपड़े वॉश करने के लिए, तो यहाँ पर कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, और उसके बाद मुझे बाकी का भी देखना है, डिज़ाइन विज़ाइन बतानी है, बाकी चीज़ें भी बतानी है, जैसे कि आज वो हेडबोर्ड लगाने के लिए भी आने वाले हैं तो वो उनको भी डिज़ाइन बतानी है, सब कुछ वो देखना पड़ता है, इसी वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी किया, सब कुछ समेटा, और उसके बाद ऊपर बार 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 आना पड़ता है, वो बुलाते हैं तो थोड़ा सा उनको भी आइडिया देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी नॉब लगा रहे हैं तो उनको बोला कि सेंटर ले लो और सेंटर ले के नॉब लगा दो, इस तरह से अभी ये नॉब लगेगी ना तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा लगने के बाद कैसा लगेंगे, तो और पता चल ही जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये दोपहर में सब कुछ उन्होंने क्लीन कर दिया था, ये रेडी है माही की और अद्विक की रूम, यहाँ पर सब कुछ क्लीन हो गया था, ये मुझे करना नहीं पड़ा, एक टेंशन मेरा ख़त्म हो गया था आज, इतना बड़ा टेंशन ख़त्म हो गया मेरा आज,
कि आपको क्या बताओ, ये पूरा अगर साफ़ सफाई करने लगती ना बहुत टाइम चला जाता है इसमें। उन्होंने पूरा ये नॉब लगा दिए और उसके बाद ये पॉलीथीन उतार दी, उसके बाद वो पूरा क्लीन करके दे दिया, अच्छे से क्लीन हो गई अभी माही और रद्विक की रूम। सिर्फ अभी ये हेडबोर्ड बन जाए उसके बाद माही और रद्विक ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप देखो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। माही और रद्विक की रूम रेडी हो गई है, बस मैट्रेस डालने हैं, बेडशीट डालनी है और रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ड्रेसिंग का मिरर आने वाला है, आप लोगों को तो पता ही है, मिरर भी ऑर्डर कर दिया है, मिरर भी आ जाएगा कल वगैरह आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखो पूरा उन्होंने सब कुछ अच्छे से पॉलीथीन निकाल के क्लीन कर दिया है, कितना ज़्यादा मेस दिखता था इस वाले रूम में, और अभी देखो कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है और शाइन कितना ज़्यादा कर रहा है। देखो फ्लोर से लेके सब कुछ शाइन कर रहा है। अभी यहाँ पे अंदर का भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया उन्होंने, इतना अच्छा लग रहा है ना। बस अभी बच्चों के कपड़े ही सेट करने हैं इसमें। अच्छे से रूम टूर आपके साथ शेयर करूँगी, जो बच्चों का रूम है उसका अच्छे से सेट होने के बाद रूम टूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखो ड्रेसिंग के अंदर का भी देख लो एक बार, सेट हो जाने के बाद और अच्छे से आपको दिखा दूँ। पर ऊपर इस तरह से मैंने शेल्फ रखी है और उस तरह से ये दो रॉड रखे हैं, मतलब माही के बैंगल्स वगैरह उसमें रख सकती है, कुछ भी चीज़ें रख सकती है, बेल्ट वगैरह ये वो, तो ये वो उसके काम आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मतलब कुछ प्रोडक्ट वगैरह रख सकती है। तो यहाँ पर मिरर लगेगा जहाँ पर आपको खाली जगह दिख रही है, और उसके बाद ये ड्रॉर्स है, ड्रॉर्स भी ओपन करके दिखा रही हूँ क्योंकि क्लीन हो गए हैं ये दिखाने के लिए। और ये हेडबोर्ड वाला है भैया, तो ये हेडबोर्ड लगाने के लिए आ गए हैं अभी, जो पीछे वाला टीका नहीं होता है वो फोम वाला टीका लगाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर कर्टन्स भी लगाने बाकी है वैसे, तो खिड़कियों में कर्टन्स भी लग जाएंगे, मतलब 8 दिन तो आप समझ ही लो, 8 दिन में तो हो ही जाएगा सब कुछ, मतलब कर्टन्स वगैरह लगा के बच्चों की रूम सेट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये मेरी वाली रूम का ये टेबल के नॉब भी लग गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना नॉब लगने के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। और उधर वाले ड्रॉअर को भी नॉब लग रहा है, उसके बाद यहाँ पर सारी कुछ क्लीनिंग हो रही है, वो घस रहा है, मतलब जो मतलब हाश वाले होते नहीं हैं जैसे कोने वोने, तो वो लग जाते हैं अपने हाथों को, तो वो घस रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर ग्लास लगेगा, जहाँ पर आपको खाली जगह दिख रही है वहाँ पर ग्लास लगेगा, वो तो आपको बाद में ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए गाइस, मैं आपको जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स परचेस किए थे वो दिखा देती हूँ। इतने बढ़िया ऑर्गेनाइजर्स है ना, आप क्या बताऊँ, सारे ऑर्गेनाइजर्स दिखा देती हूँ मैं आपको, और आपको पसंद आने वाला है पक्का। तो चलिए यहाँ पर रखे हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स, मैं लेके जाती हूँ वहाँ पे और आपको आराम से बैठ के दिखा देती हूँ। तो गाइज चलिए मैं आपको सारे ऑर्गेनाइजर दिखा देती हूँ एक एक करके। उससे पहले ना मैंने जो ग्रोसरी ली है वो दिखा देती हूँ। ग्रोसरी ना बहुत ही कम है, जैसे कि मुझे आपको पता ही है कि मैं क्या खा रही हूँ आजकल, तो जो आटा बना रही हूँ मल्टीग्रेन वाला, उसके लिए मुझे होल मूंग चाहिए थे, तो वो होल मूंग ले लिए थोड़े से। और उसके बाद ये मिश्री का पैकेट है, और उसके बाद ये एक मारीगोल्ड का पैकेट है, ब्रिटानिया मारीगोल्ड का फैमिली पैक। और उसके बाद ये है किसान टोमेटो केचप, और उसके बाद ये मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिए है दो, एक कहाँ चला गया है, एक ऐसे ही ब्राउन कलर में है तो वो है। उसके बाद ये है ओरिगामी के सॉफ्ट वाले ये हैंड टिश्यूज, तो ये एक के ऊपर एक फ्री है तो वो है। और उसके बाद ये मसाला है सुरुचि का गर्म मसाला, उसके बाद ये टॉप रेमन की ये है नूडल्स है, उसके बाद ये इप्पी नूडल्स है जो हमने खा भी लिए हैं बना के। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा फास्ट दिखा देती हूँ, ये इतना नहीं है, फिर ऑर्गेनाइजर्स अच्छे से दिखा दूंगे। उसके बाद ये जौहरी है जो मुझे आटा बनाना है उसका, उसके बाद सॉरी चीनी है, ये 5 kg चीनी है, ज़्यादा नहीं पहले थी इसी वजह से ज़्यादा नहीं लाई। और उसके बाद ये हैंड वॉश जो संतूर का है, इससे हैंड सॉफ्ट होते हैं बोलते हैं इसी वजह से। और ये यहाँ पर है सांबर मसाला एवरेस्ट का, उसके बाद आमचूर पाउडर है, ये है मेरा ग्रॉसरी आइटम, ये सारे ग्रॉसरी आइटम थे। उसके बाद अभी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये कंटेनर्स मेरे खराब हो गए थे, आपने भी देखा होगा, नोटिस किया ही होगा, तो काफी दिनों से मैं उसे ही चला रही थी, मैंने सोचा चलो इतना ले ले रही हूँ तो ये भी ले लेती हूँ। तो ये मैंने अपने कुकर में रखने के लिए कंटेनर्स लिए है, एक 119 रुपीज के मिले हैं मुझे, नहीं ये 149 रुपीज का है शायद, नहीं सॉरी सॉरी ये MRP है, स्पेशल प्राइस इसकी 119 का है, तो ये 119 के दो लिए है क्योंकि एक दाल के लिए और एक चावल के लिए। उसके बाद मैंने ये लिए है ग्लास बोल्स,
जो मैं माइक्रोवेव कर सकती हूँ, जिसमें लैपटॉप वगैरह रख सकती हूँ, और ये माइक्रोवेव सेट भी है, इसमें लैपटॉप वगैरह निकाल के फ्रिज में रख सकती हूँ, इसको माइक्रोवेव कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने ये दो लिए है, तो इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस क्या है, ये आता है 2 का सेट और इसकी प्राइस है 209, स्पेशल प्राइस है इसकी, मतलब 209 रुपए का मुझे ये सेट मिला है और बहुत अच्छा है। मतलब आप सोचो कि 104 रुपए की ये मिल रहे हैं। अगर आप बाहर जाते हो कहीं लेने के लिए या आप ऑनलाइन भी परचेस करते हो ना, तो बहुत ज्यादा महंगे मिल जाता है। डीमार्ट का यही फायदा होता है कि आपको बहुत सस्ती चीजें वहां पर मिल जाती है। उसके बाद ये मैंने भगवान के लिए थाली ली है, तो ये सिर्फ मुझे 99 रुपीज की मिली है, और ये मैंने जब बाकी वेबसाइट पे सर्च किया था ना, 250 रुपए की मैंने ऑर्डर भी कर रखी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, टूटी हुई रिसीव हुई है मुझे, इसी वजह से मैंने ये डीमार्ट से ली है। ये देखो, ये इतनी सी है, इतनी छोटी सी, और वो भी 250 रुपए की ऑनलाइन। देखो कितनी छोटी है, और वो भी टूटी हुई रिसीव हुई है, तो इसकी रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी है मैंने। अभी देखो ये छोटी सी है, और ये देखो कितना बड़ा है, तो थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, बट फिर भी ये मुझे 99 रुपीज का ही मिला है सिर्फ। तो इस वजह से ये भगवान के लिए थाली ली है, ये रख देती हूँ अब। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजर्स है वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले ये मेट है, तो ये मेट मैंने अपने रूम के लिए लिया है। एक्चुअली मुझे ओपन नहीं करना था, बट आपको दिखाने के लिए तो ओपन करना ही पड़ता है। ये देखो, ये पूरा रनर है, तो ये मुझे मिला है। इस पे प्राइस होगी, स्पेशल प्राइस इसकी 299 रुपीज में ये मुझे मिला है, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सॉफ्ट है। उसके बाद ये और भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद ये भी फोम भी है उसमें, तो वो भी काफी थिक फोम है। ये मुझे मिला है 299 रुपीज का। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजर्स मैंने लिए है, तो ये तो इतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के है ना, तो आपको क्या बताऊं, मतलब इसमें तो दिल आ गया था मेरा, इसी वजह से एक साथ चार ले लिए मैंने। ये देखो, ओ ये है इसके साथ वाला फ्री वाला, और ये इसमें जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसके साथ माइक्रो फाइबर क्लॉथ। और हाँ, आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि माइक्रो फाइबर क्लॉथ आप कहाँ से लेते हो, तो मैं डीमार्ट से लेती हूँ डियर, बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ कितने का है आपको दिखाती हूँ, 59 रुपीज का एक है, बहुत सस्ते होते हैं। पहले तो 39 रुपीज का ही था, 40 रुपीज का ही था, बट अभी 10 रुपए उस पर भी बढ़ गए। और यहाँ पर ये उसके साथ ही मिला है, एपी के साथ। उसके बाद ये कंटेनर सबको दिखाती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, ट्रस्ट में यार, इतने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के है ना, तो मेरा दिल आ गया था इस पे। 229 रुपीज का एक कंटेनर, और उसमें ये लीड भी है, इतना ज्यादा अच्छा है ना। अगर आप ऑनलाइन परचेस करने जाते हो या कहीं पर भी जाते हो ना, इतना सस्ता आपको नहीं मिलेगा, इसी वजह से, और इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। और ये स्टैकेबल है, जैसे एक के ऊपर आप एक रख सकते हो, देखो एक के ऊपर आप एक रख सकते हो ये ऐसे, तो इसी वजह से मैंने लिया है अपने वार्डरोब वगैरह में रखने के लिए। तो और मेरा वार्डरोब का कलर भी सेम है ना, तो इसी वजह से मुझे अच्छे से वही कलर का मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ये स्टैकेबल है, तो जगह भी ज्यादा घेरता नहीं है, और एक के ऊपर आ जाता है एक, तो ये है। और उसके बाद मैंने टॉल लिया है अपने लिए, जो मेरे रूम से मैच है कलर से अपने, तो ये भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये कितने का है, 249 रुपीज का, ये 249 रुपीज का है। उसके बाद ये लिया है मैंने हैंगर, जिसमें आप स्पैचुला या कप्स वगैरह कुछ भी हैंग कर सकते हो, ये ऐसे भी हैंग कर सकते हो इसे, और ये ऐसे मतलब सीधे भी हैंग कर सकते हो, और ये ऐसे शेल्फ में भी हैंग कर सकते हो अंदर से, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। और इसकी जो प्राइस है ना, स्पेशल प्राइस, वो 199 रुपीज है। ये कहाँ पर लगेगा वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में तो आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा ये मैं कहाँ पे लगाने वाली हूँ। और ये मैंने लिए है लॉन्ड्री बास्केट, जो मेरे लॉन्ड्री के कपड़े रखने के लिए काम आएगी। ये मुझे मिली है, इतनी अच्छी क्वालिटी की है ना कि आपको क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसके। और ये 399 रुपीज की मिली है मुझे, इतनी बड़ी बास्केट। और उसके बाद मैंने ये ली है अपने उधर के बेसिन के लिए डस्टबिन, पर जो मैंने स्टैंड रखा था ना, डस्टबिन स्टैंड, उसके लिए मैंने ये डस्टबिन ली है। मतलब इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप जो गार्बेज बैग लगाते हो ना, उसके ऊपर ये रिंग है लगाने के लिए, उससे ये फिट आती है, और कलर भी मेरे जो फर्नीचर है उससे मैच है, तो इसी वजह से मैंने ये ले ली। उसके बाद मैंने ये बोरोसिल का ये लिया है, एक मिनट, इसकी प्राइस मैंने आपको
बताइए नहीं। इसकी प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज, डीमार्ट प्राइस इसकी 99 रुपीज है। उसके बाद ये बोरोसिल का बोल लिया है, मिक्सिंग बोल, जो बड़ा मिक्सिंग बोल होता है वो, ये देखो बिग मिक्सिंग बोल। इसमें आप आटा वाटा गूंथ सकते हो, इसमें आप ज्यादा क्वांटिटी में कुछ भी मिक्स कर सकते हो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये। माइक्रोवेव में रख सकते हो आप, इसमें क्या बोलते हैं राइस वाइस बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसी वजह से ये मैंने लिया है, बोरोसिल का है और बोरोसिल आपको ब्रांड पता ही है कितना अच्छा होता है, तो उसका है ये। और हाँ, इसमें लिखा है 472 रुपीज में मुझे ये मिला है बोरोसिल का मिक्सिंग बोल, तो ये है। उसके बाद ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, ये देखो, ये जो है ना, मतलब इस, ये ज्यादा जगह नहीं घेरेगा, आप कहीं पर भी इसे ट्रॉली में रख दो। और उसके बाद ये इस तरह से करोगे ना, ये सिलिकॉन का है, आपको ये वॉश करने के लिए बास्केट मिल जाएगी, मतलब ये क्या बोलते हैं स्ट्रेनर मिल जाएगा। देखो आप राइस वाइस स्ट्रेन कर सकते हो इसमें, और उसके बाद आप सब्जियां वॉश कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। देखो, और उसके बाद आपका काम हो गया कि इस तरह से करके प्लेट जैसा बन जाएगा ये, और सर्व भी कर सकते हो आप इसमें, बहुत काम आने वाली चीज है। और ये कितने का मिला है, ये 89 रुपीज का मिला है। उसके बाद मैंने ली है ये, मतलब ये सेट ही है पूरा, और इतनी अच्छी क्वालिटी का है ना, डीमार्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है ऑर्गेनाइजर्स की। तो ये मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ इसकी 179 रुपीज का ही सिर्फ, ये मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी का मिला है। देखो, ये पूरी एक बास्केट है बड़ी वाली, इसके बाद ये इसके अंदर एक बास्केट है, उसके बाद ये इसके अंदर एक छोटी सी बास्केट है। तो इसमें आप नेल पॉलिश वगैरह रख सकते हो आपके अच्छे से ड्रेसिंग टेबल में सजा के, इसमें आप बाकी की चीजें रख सकते हो, इसमें आप और सारा मेकअप का सामान रख सकते हो, आपके ड्रेसिंग टेबल की बहुत ज्यादा काम आएगा ये, तो ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजिंग के लिए काफी काम आ सकता है। तो इसी वजह से मैंने ये लिया है अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा हैंग किया हुआ। तो गाइज, आई होप आपको ये सारे ऑर्गेनाइजर्स पसंद आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे, देख के थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि मतलब क्या लेना है क्या नहीं लेना है, सारी चीजें पसंद आई होगी। अगर एक भी चीज अगर आपको इसमें से पसंद आई हो ना, और अगर आपको ये थोड़ा सा भी हॉल पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा जरूर चेक कर लेना, वहां पर अच्छे अच्छे रील्स मैंने डाल दिए हैं अभी, आपको बहुत अच्छे लगने वाला है वो, तो प्लीज उसे भी चेक कर लेना, वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।